हाउ टू वी हाउ कैन आई सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट द कंट्रोल इन द फॉर्म, सेलेक्ट करना है पहले कंट्रोल को, फिर देन द सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी विंडो। फिर इसमें जो प्रॉपर्टी विंडो जो होता है उसमें से हम कोई एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और फिर सेट द प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कंट्रोल। फिर प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना कि क्या उसमें कंट्रोल में क्या चेंजिंग आता है। कॉमनली यूज्ड कंट्रोल है, जो कॉमनली यूज कंट्रोल होता है, ठीक है ना, जो यूज किया जाता है मैक्सिमम, वो है लेवल ए। और ए लेवल इज यूज टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट। इसका जो यूज किया जाता है कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यू कैन यूज लेवल फॉर आइडेंटिफाइंग ए टेक्स्ट बॉक्स और फॉर डिस्प्लेइंग इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर ऑन द फॉर्म। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि कोई टेक्स्ट बॉक्स, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है ये जानने के लिए, और दूसरा कि कोई इंस्ट्रक्शंस यदि हमें यूजर को देना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद है लेट अस लर्न द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लेवल कंट्रोल। क्या सब इसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी इसमें बताया गया कि क्या सब प्रॉपर्टी है, उसका भी इसमें दिया गया टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं आपको नेम, नेम जो है सो आपको इसमें करा आइडेंटिफाइज ए लेवल व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम। नेम प्रॉपर्टी, इसमें ये सारे प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो में ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, जो कि आप कंट्रोल के लिए सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है नेम, प्लीज ऑन योर वीडियोज ऑल स्टूडेंट, नेम में आइडेंटिफाई ए लेवल, ऋषिका यस सर। वीडियो ऑन करो। नेम प्रॉपर्टी में क्या आइडेंटिफाइज ए लेवल वाइल राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है। ये नेम प्रॉपर्टी किस लिए होता है, लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद फॉन्ट, सेट द फॉन्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल फॉर द लेवल। फॉन्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। फोर कलर चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द लेवल यूज इट फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, ठीक है। जो लेवल की टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है उसको एक कलर को चेंज करने के लिए फोर कलर का यूज किया जाता है। एंड देन टेक्स्ट कंटेन्स द टेक्स्ट व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द लेवल, ठीक है, इसमें कंटेन्स द टेक्स्ट व्हिच इज डिस्प्ले ऑन द लेवल। इसमें ऐसे टेक्स्ट होता है जो लेवल में लेवल के लिए डिस्प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद है बैक कलर, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ लेवल। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, सेट द बॉर्डर स्टाइल ऑफ थोड़ा लेवल, ठीक है। फॉन्ट चेंज कर, साइज चेंज करने के लिए कहाँ से है प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट में, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट में जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप साइज सेट कर सकते हैं, फॉन्ट का टाइप सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है यहाँ से आप फॉन्ट का में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे जो बटन लिखा हुआ था इस पे, ठीक है ना, इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये जो बटन है इसका साइज बड़ा हो गया इसमें। जैसे कि बताया आपको ये डिजाइन व्यू है आपको, तो डिजाइन व्यू में आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है फोर कलर, चेंजेस द फोरग्राउंड कलर ऑफ द लेवल यूज, ठीक है। इसमें देखो फोरग्राउंड प्रॉपर्टीज में आपको फोरग्राउंड, फोर कलर प्रॉपर्टी ये रहा, ठीक है ना। तो फोर कलर प्रॉपर्टी में इसमें तो अभी एक ही कंट्रोल है, ठीक
ठीक है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फोर कलर में, यानी कि जो लिखा हुआ है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें कलर है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? यस सर।